हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का रियलमी XT का डिवाइस है, सो गाइस फाइनली जनवरी मंथ का आपको लेटेस्ट OTA अपडेट रियलमी XT डिवाइस के लिए रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों, सुबह सुबह मुझे अपडेट मिल चुका है जो कि C.09 का लेटेस्ट अपडेट है, 199 MB का अपडेट है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि रियलमी XT डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों कौन कौन से पुराने मेजर बग्स को फिक्स किया गया है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हूं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख रही है ताकि आपको भी समझ में आए कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से पुराने बग्स को फिक्स किया गया है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोगज, अगर आपके पास रियलमी का रियलमी XT का डिवाइस है, सोगज आपको याद होगा कि नवंबर महीने के अपडेट मिलने के बाद सीधा आपको इस महीने मतलब कि जनवरी के मंथ में अपडेट मिलना चालू हो चुका है। लेकिन उस अपडेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको 199 MB का अपडेट है। लेकिन इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी सारे पुराने बग्स को फिक्स किया गया है। कॉलिंग के रिलेटेड जो भी इश्यूज था उसको भी फिक्स किया गया, मतलब कि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि कॉलिंग करते वक्त हमारा इंटरनेट ऑफ हो जाता है। एंड दोस्तों, ये जो अपडेट है मुझे सुबह ही देखने को मिला। एंड दोस्तों, इस अपडेट को मैंने सुबह इंस्टॉल करके रखा है, तो C.09 का अपडेट है एंड 199 MB इस अपडेट का साइज है। वैसे दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मैंने काफी सारे पुराने बग्स को चेक किया, सारे बग्स को फिक्स किया गया है। कैमरे में कुछ थोड़ा सा आपको इंप्रोमाइजेशन देखने को मिला है, जो भी लैग्स था लैग्स को भी फिक्स किया गया है। सो गाइस, अपडेट इंस्टॉल करने पर हम जाएंगे एंड देखेंगे आपको अपडेट लॉग मतलब की फीचर्स में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला है। सो गाइस, अपडेट लॉग मतलब की फीचर्स में जाएंगे एंड देखेंगे आपको अपडेट लॉग में बस आपको नेटवर्क के रिलेटेड ही अपडेट लॉग देखने को मिल जाता है, जैसे कि फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इश्यूज ऑफ वोल्टी फॉलिंग्स टू रजिस्टर। लेकिन दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स इसको फिक्स करने के साथ साथ रियलमी ने और भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फिक्स किए गए रियलमी XT में, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वैसे दोस्तों, रियलमी की तरफ से रियलमी XT डिवाइस में आपको जनवरी मंथ का अपडेट तो मिल चुका है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही पुराना एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। मतलब दोस्तों, आपको जनवरी नहीं दिसंबर ने पुराना आपको वही सेम टू सेम मतलब कि 5 नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है, जो कि आपको नवंबर के अपडेट के बाद देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे बेस्ट बैंड वर्जन के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि आपको C.09 का लेटेस्ट जनवरी मंथ का अपडेट मिल जाता है, मतलब कि लेटेस्ट बिल्ड वर्जन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे चेंज लॉग फीचर्स के बारे में। सो गाइस, एक्चुअल में आपको इस अपडेट के बाद कुछ भी आपको चेंज लॉग फीचर्स देखने को नहीं मिले। UI के अंदर कुछ भी आपको UI में चेंजेस देखने को नहीं मिला है। बस आपको सिस्टम में जितने सारे प्रॉब्लम्स थे उसको फिक्स किया गया है, लैग फ्री सिस्टम लॉन्चर किया गया है। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में, तो काफी इंप्रूव भी किया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप डे टू डे लाइफ में रियलमी XT को यूज करते हैं तो ये भी अपडेट काफी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपका जो फोन है काफी स्मूथ बन जाता है एंड स्टेबल बन जाता है। तो फर्स्ट जो भी इश्यूज था, मतलब कि कॉलिंग के रिलेटेड इश्यूज था, 4G वोल्टी का आपका जो कैरियर का इश्यूज था उसको भी फिक्स किया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया था कि इंटरनेट चालू होने के बाद कॉलिंग इश्यूज आता है या फिर कॉल करते वक्त हमारा इंटरनेट ऑफ हो जाता है, जो भी वोल्टी कॉलिंग था वो यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं करता है। सो गाइस, इस अपडेट के बाद आपका जो भी कैरियर का इश्यूज था, मतलब कि 4G वोल्टी कैरियर का इश्यूज था, वो यहाँ पर फिक्स होने वाला है। आपकी जो भी 4G वोल्टी वॉइस क्वालिटी काफी बेटर इंप्रोमाइज हो चुके हैं, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद एक बार कॉल करके जरूर चेकआउट करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर वॉइस क्वालिटी में काफी इंप्रोमाइजेशन देखने को मिलेगा। सिम 1 एंड सिम 2 दोनों के लिए देखेंगे तो दोनों के लिए देखेंगे वॉइस क्वालिटी काफी बेटर इंप्रोमाइज की गई है। जैसे दोस्तों, मैंने कहा कि 4G वोल्टी का जो प्रोबेबिलिस्टिक इश्यूज था उसको भी फिक्स किया गया है। अलग विद दैट, अगर आपको नेटवर्क में 4G वोल्टी जो कि आपका LTE इंटरनेट का इश्यूज था वो भी यहाँ पर फिक्स किया गया है, तो इसके बाद आपको इंटरनेट में जो भी इश्यूज आया था वो भी फिक्स हो चुका है। तो एक बार अपना जो इंटरनेट है वो भी चेक करके देख सकते हैं। उसका दोस्तों, सिस्टम का जो भी UI काफी स्मूथ हो चुका है, आपको लैगिंग मतलब सिस्टम लॉन्चर में कुछ भी लैगिंग देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे कैमरे के और मतलब कि कैमरे में क्या कुछ आपको इंप्रोमाइजेशन देखने को मिला है। सो गाइस, मुझे रियर कैमरे में थोड़ा सा इंप्रोमाइजेशन देखने को मिला है, लेकिन जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला है, क्योंकि मेरा जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसकी जो क्वालिटी थोड़ी सी मुझे डाउनग्रेड देखने को मिली है पोर्ट्रेट मोड में। उसके बाद दोस्तों, फोटो मोड है, उसके बाद वीडियो मोड है, कुछ भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिला है, मतलब कि नए फीचर्स आपको ऐड नहीं हो चुके हैं। सो गाइस, जैसे मैंने सुबह अपडेट इंस्टॉल किया एंड अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कैमरा क्वालिटी चेक किया, फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा, तो फ्रंट सेल्फी कैमरे की जो कैमरा क्वालिटी एज इट इज मतलब कि थोड़ी सी डाउनग्रेड देखने को मिली है, लेकिन रियर कैमरे की जो कैमरा क्वालिटी इंडोर या फिर जो आउटडोर की कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छा आपको कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, शार्पनेस भी देखने को मिल जाता है। इमेज क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद कलर रिप्रोडक्शन देखेंगे, पोर्ट्रेट शॉट्स में देखेंगे एज डिटेक्शन काफ़ी बेटर तरीके से इमेज कैप्चर करता है रियर कैमरा। लेकिन दोस्तों, जब फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट सेल्फी कैमरे में मुझे इमेज क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेड देखने को मिली है। उसका दोस्तों, बात करेंगे पोर्ट्रेट शॉट्स मतलब कि पोर्ट्रेट मोड में भी कैमरा क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही देखने को मिली है, कुछ बेटर तरीके से कैप्चर नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों, इमेज क्वालिटी देखेंगे
करेंगे, मतलब कि मैंने फोटो कैप्चर किए इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद, मुझे रियर कैमरे के अलावा जो फ्रंट सेल्फी कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड, मतलब कि इमेज क्वालिटी थोड़ी सी खराब देखने को मिली है। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं कि इस अपडेट के बाद आपको कैमरा क्वालिटी कैसी लगी है, रियर कैमरा एंड फ्रंट सेल्फी कैमरा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इस अपडेट के बाद कुछ भी लेटेस्ट न्यू या फिर बग्स देखने को मिले तो बग्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी रियलमी एक्सटी के लेटेस्ट न्यू C.09 के जनवरी अपडेट के बारे में बात करने वाला था। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।